अस्सलामु अलैकुम, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं तनवीर सफदर। शामिल करते हैं हेडलाइन। एहतसाब अदालत ने जज अरशद मलक को ओहदे से हटाने का फैसला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमर फारूक ने वजारत इंसाफ को खत लिख दिया। तर्जमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जज अरशद मलक का हक और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बारियत और दरख्वास्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। बयान हल्फी और हक को रिकॉर्ड का हिस्सा कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बनाया गया। तर्जमान के मुताबिक इससे कबल जज अरशद मलक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी सफाई में खत लिखा था और बयान हल्फी भी हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। बयान हल्फी में कहा गया है कि मुझे बिलावजह बदनाम किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है इंतसाब अदालत में जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कर आदम हो चुका। नवाज शरीफ को जेल में एक मिनट भी रखना अब गैर कानूनी है। मरियम नवाज ने कहा कि वो इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रही हैं। आला अदलिया से बहुत वादा गुजारिश है कि फैसले को कर आदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ को इंसाफ करते हुए बगैर ताखीर के रिहा किया जाए। अब ये मामला नवाज शरीफ तक महदूद नहीं रहा, वो इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जहदी कहते हैं आटे मैदे और सूजी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त के मुतल्लिक गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा शनाख्ती कार्ड की शर्त सिर्फ 47,000 रजिस्टर्ड अफराद के लिए है, किसी सेक्टर के साथ कोई डेडलॉक नहीं है। छोटे दुकानदारों के लिए फैक्स टैक्स लगाने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बस्तार ननकाना साहब पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला रकाना असम्बली और मकामी इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला ने पौधा लगाकर ननकाना साहब ने शजरकारी का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने ननकाना साहब की पहली DDB मॉल का इफ्तिताह भी किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जोन 4 का इस्लामाबाद में संगे बुनियाद रखा गया। नया पाकिस्तान जोन 4 में 18,500 घर तमीर होंगे। इनमें 10,000 घर कम आमदनी वाले अफराद के लिए होंगे। घर आसान किस्तों पर खरीदे जा सकते। ये थी अब तक की हेडलाइन। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज। आप हमें फेसबुक यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.todaynewshd.tv।